नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संगम क्लासेस में आपका स्वागत है। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस मैरी सैली एंड हर गोथिक नॉवल फ्रैंकनस्टीन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस होरेस वॉलपोल, अनदर गोथिक नॉवलिस्ट एंड हिज फेमस वर्क कैसल ऑफ ओट्रांटो। लेट्स स्टार्ट होरेस वॉलपोल एंड हिज फेमस वर्क कैसल ऑफ ओट्रांटो। होरेस वॉलपोल, son of Robert Walpole, first Prime Minister of England. Horace Walpole Robert Walpole के बेटे थे। Robert Walpole England के first Prime Minister थे। Horace Walpole wrote first Gothic novel Castle of Otranto. Horace Walpole ने Gothic पहला Gothic novel लिखा जिसका नाम था Castle of Otranto. What is Gothic novel? Gothic novel have terror, mystery or horrifying setting. Horace Walpole का famous work था Castle of Otranto. Subtitle है a Gothic story. कई बार ये question exam में पूछ लिया जाता है कि Castle of Otranto का subtitle क्या है? Subtitle है a Gothic story. और ये कब आया था? 1764 में आया था। करैक्टर्स हैं मैनफ्रेड, जो कैसल ऑफ ओट्रांटो का शासक है, लेकिन रियल नहीं है। रियल जो है वो अल्फोंसो है, क्योंकि मैनफ्रेड के ग्रैंडफादर ने इन्हें जहर देके इनसे ये हथियार लिया था। हिपोलिटा मैनफ्रेड की वाइफ है। मातिल्दा मैनफ्रेड और हिपोलिटा की बेटी हैं। कॉनरेड हिपोलिटा और मैनफ्रेड के सन हैं। इजाबेला वह लड़की है जिससे कॉनरेड शादी करने वाला है। फ्रेडरिक इजाबेला के पिता हैं। अल्फोंसो जो रियल शासक है ओट्रांटो का वो है। फ्रायर जेरोम अल्फोंसो की बेटी से शादी करता है, एक काउंट होता है, और उससे अल्फोंसो की बेटी और फ्रायर जेरोम से पैदा होता है थियोडोर। आप इन करेक्टर्स को इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैनफ्रेड और हिपोलिटा हस्बैंड वाइफ है, उनका बेटा है कॉनरेड, डॉटर है मैथिल्दा। कॉनरेड किससे शादी करने वाला है? इजाबेला से। दूसरी तरफ क्या है? अल्फोंसो जो रियल ओनर है, उनकी डॉटर और फ्रायर जेरोम का बेटा है थियोडोर। अब स्टोरी में है क्या? स्टोरी देख लेते हैं कि स्टोरी में है क्या। स्टोरी स्टार्ट होती है कॉनरेड की शादी वाले दिन से। कॉनरेड और इजाबेला की शादी वाला दिन है। शादी वाले दिन ही एक बड़ा सा हेलमेट कॉनरेड के आग के ऊपर आकर गिरता है, और वह हेलमेट किसका होता है? अल्फोंसो का एक स्टैचू है कैसल में, वह आकर के कॉनरेड के ऊपर गिरता है और कॉनरेड की डेथ हो जाती है। उसी पार्टी में थियोडोर भी होता है, और यह इल्जाम जो है थियोडोर पर आता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। अब कॉनरेड की डेथ हो चुकी है। मैनफ्रेड को एक डर सताने लगता है। वो डर क्या है? एक प्रोफेसी का। एक प्रोफेसी हुई थी जिसके अंदर ये कहा गया था मैनफ्रेड इस कैसल पर जब तक शासन कर सकता है जब तक उसके कोई मेल हेयर है, या फिर उसके कोई मेल वारिस है, या फिर जब तक कोई थियोडोर की फैमिली का कोई वारिस आकर यहाँ पर शासन नहीं करता, मैनफ्रेड तब तक ही यहाँ पर शासन कर सकता है। जैसे ही उसे ये डर सताने लगता है तो वह सोचता है कि अब तो मेरे पास कोई मेल वारिस भी नहीं बचा है, और हिपोलिटा बहुत ज़्यादा एज्ड हो चुकी है जो मुझे कोई वारिस नहीं दे सकती है। इसीलिए वह सोचता है कि वह अपने बेटे की फियांसे इजाबेला से शादी करेगा। जैसे ही इजाबेला को पता चलता है कि मैनफ्रेड उसे शादी करने वाला है तो वो भाग जाती है। इधर से थियोडोर भी प्रिजन से भाग जाता है। दोनों मिलते हैं और थियोडोर इजाबेला को एक कॉन्वेंट में छुपा देता है। अब मैनफ्रेड जो है वो थियोडोर से पूछता है कि इजाबेला कहाँ है, लेकिन थियोडोर कहता है कि वह उसे नहीं पता है।
अब फ्रायर जेरोम कहता है कि मुझे इजाबेला पता है, वह कॉन्वेंट में है और मैं तुम्हें उसे सौंप दूंगा। इससे पहले मैनफ्रेड फ्रायर जेरोम को यह कहता है कि तुम मैनफ्रेड और हिपोलिटा हम दोनों का तलाक करवा दो ताकि मैं इजाबेला से शादी कर सकूं। लेकिन फ्रायर जेरोम कहता है यह इतना आसान नहीं है और यह कहता है कि तलाक लेना इतना आसान नहीं है। अब आगे क्या होता है, अब मैनफ्रेड जो है थियोडोर को मारने का आदेश दे देता है। जैसे ही उसे एग्जीक्यूट करने ही वाला होता है तभी फ्रायर जेरोम उसके ऊपर मार्क देखता है उसकी पीठ पर, वो पहचान लेता है कि यह उसका बेटा है जिसे पायरेट उठा ले गए थे। अब मैनफ्रेड को कहता है कि तुम मेरे बेटे को बख्श दो, तुम जो कहोगे वही करूंगा। मैनफ्रेड कहता है कि तुम मुझे इजाबेला सौंप दो, मैं तुम्हें थियोडोर दे दूंगा। इसी बीच में एक नाइट आता है और वह बोलता है कि वह इजाबेला को ढूंढेगा। इसी मैनफ्रेड दोबारा से थियोडोर को जेल में बंद कर देता है, लेकिन मातिल्दा जो है उसे जेल से भगा देती है क्योंकि वह इससे प्यार करती है। अब थियोडोर इजाबेला को एक केव में छुपा देता है और जैसे ही नाइट उसे ढूंढते हुए आते हैं तो थियोडोर की एक नाइट से लड़ाई होती है और वो घायल हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वह इजाबेला का पिता था। अब थियोडोर और इजाबेला फ्रेडरिक को लेकर के कैसल में आते हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा घायल है, इसीलिए वो उसे लेकर के महल में आते हैं। महल में आने पर मैनफ्रेड कहता है कि तुम मेरी बेटी मैथिल्दा से शादी कर ले, फ्रेडरिक तुम मैथिल्दा से शादी कर ले और मैं जो है मैं खुद इजाबेला से शादी कर लूंगा। फ्रेडरिक पहले तो सहमत नहीं होता, बाद में सहमत हो जाता है कि ठीक है मैं जो है आपकी बेटी मैथिल्दा से शादी कर लूंगा और आप जो है इजाबेला से शादी कर लो। इसी दौरान जो है वो एक जासूस आता है और यह बताता है कि उसने थियोडोर और इजाबेला को साथ साथ देखा है। मैनफ्रेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। साथ में चाकू ले होता है कि वह आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वहां पर जाता है और थियोडोर के साथ में जो लड़की होती है उसे मार देता है। यह कोई और नहीं उसी की खुद की बेटी मातिल्दा होती है। बेटी की डेथ से वह इतना ज्यादा दुखी होता है, शोक में चला जाता है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मेरा परिवार तो खत्म हो चुका है। इसीलिए वह पश्चाताप करने के लिए अपनी पत्नी को लेकर वन में चला जाता है। थियोडोर जो असली शासक होता है वह कैसल ऑफ ओट्रांटो का दोबारा से शासक बन जाता है और इजाबेला से शादी करता है। इसी के साथ ही यह स्टोरी जो है वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो कैसल ऑफ ओट्रांटो में क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक बार नेट में आ भी चुका है, द कैसल ऑफ ओट्रांटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैसल ऑफ ओट्रांटो किस टाइप का नोवल है? तो एक गोथिक टाइप नोवल है। हु इज एंटागोनिस्ट ऑफ नोवल, नोवल का एंटागोनिस्ट कौन है? मैनफ्रेड। विच टाइप ऑफ स्टोरी नोवल टेल्स, ये क्वेश्चन भी नेट में आ चुका है। इट टेल्स स्टोरी ऑफ ए फादर हु किल्ड हिज ओन डॉटर। नेट क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था कि क्वेश्चन दे दिया गया था, उसके बाद नीचे चार ऑप्शंस में यही मैच होता है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए फादर हु किल्ड हिज ओन डॉटर। यह एक ऐसा नोवेल है जिसके अंदर बताया गया है कि एक फादर अपनी ही बेटी को कामर्डर कर देता है। एक क्वेश्चन और भी नेट में आया हुआ है, एक दो एग्जाम में और भी आया हुआ है कि कैसल ऑफ ओट्रांटो का सब टाइटल क्या है। सब टाइटल है एक गोथिक स्टोरी। इसी के साथ ही आज मैंने फिनिश किया है होरेस वॉलपोल के कैसल ऑफ ओट्रांटो को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एने रेडक्लिफ और उनके गोथिक नॉवल जो है मिस्ट्री ऑफ रुडोल्फ को। धन्यवाद।